पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 7035 के अराउंड वैकेंसी थी इनकी। इस बार जो वैकेंसी है इन्होंने अभी तक बताई नहीं है, लेकिन आप मान कर चल सकते हैं कि 7000+ वैकेंसी आपकी इस बार भी रह सकती हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या गई थी, तो जो AAAO की कट ऑफ होती है, इसके अंदर आप सभी को बताया कि 3 कट ऑफ आती हैं। तो जो पहली AAO की जो कट ऑफ थी उसकी मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, URSC और ST। इसमें आप कट ऑफ देख लीजिए, जो UR की कट ऑफ गई थी वो 167 यानी कि 167, और OBC की 161, और आपकी SC की 145, और आपकी ST की 140। वहीं जो दूसरी कट ऑफ थी दूसरे के लिए, स्टैटिक वाला एक जो आता है उसके लिए आपकी कट ऑफ जो थी वो भी आप मैं बता देता हूँ आपको क्या गई थी। UR के लिए जो गई थी वो 153, OBC के लिए 147, SC के लिए 124 और ST के लिए 122। और जो जनरल कट ऑफ आपकी गई थी इसके अंदर, जनरल कट ऑफ जो होती है जो सभी के लिए जाती है, यानी कि इन दो पोस्टों के लिए अलग कट ऑफ जाती है और जो बाकी की पोस्ट होती है उनके लिए अलग जाती है, तो उनकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। UR के लिए जो गई थी वो 132, और OBC के लिए आपको जो कट ऑफ गई थी वो 119, और SC और ST के लिए आपकी जो कट ऑफ गई थी वो SC के लिए 100 और ST के लिए आपकी 93 कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करता हूँ 2022 के बारे में, तो 2022 में आपकी जो कट ऑफ रह सकती है, मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, तो आपकी जो कट ऑफ है आप 130 तक मान सकते हैं, और OBC की 120 और SC की आप 110, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, और इसकी आप ST के 100 कट ऑफ आप मान करके चल सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो CGL का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा नंबरों का होता है, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई चली जाती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ मैंने ये अभी आपको बताई है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके इतने नंबर होते हैं तो आप 2022 का जो CGL का टीयर फर्स्ट है उसको क्लियर कर जाएंगे इजीली। अब मैं बात करता हूँ एडमिट कार्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है CGL में 11 अप्रैल से आपके जो हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो 4 दिन पहले जो होता है, 4 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होती है SSC, और लगभग 10 दिन पहले आपका या फिर 12 दिन पहले आपका एग्ज़ाम स्टेटस आ जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है इस स्टेट में है और आपका टाइम ये है और आपका वेन्यू नहीं आता है कि किस स्कूल में आपका या किस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हुआ है, ये सब नहीं आता है, लेकिन टाइम और स्टेट और डेट आ जाती है आपकी पहले ही। जिनका एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। 11 अप्रैल वालों का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, लेकिन जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता रहेगा, अब जैसे आज 12 बजे के बाद 12 अप्रैल वालों का भी आ जाएगा, यानी कि 4 दिन पहले जिसका भी टाइम होता रहेगा तो वो एडमिट कार्ड ओपन होते रहेंगे 12 बजे के बाद। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, इजीली हर स्टेट का देख सकते हैं कि किस स्टेट के जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं और किस स्टेट के अभी एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ नहीं हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।